लड़कियों को क्या है, अपनी कभी वाइफ मम्मी बहन सबको अगर ध्यान से देखोगे ना, उनको उनकी प्रॉब्लम्स नहीं पता होती, ठीक है। मैंने जो बोला है वो एक्चुअल मेरा प्रॉब्लम है जो सिर्फ मैं फेस करती हूँ, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला मेरी मम्मी ये बोलती है, मेरे पापा ये है, या रिस्पेक्टिव ये इशू आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, इन सब लोगों ने जो बोला थर्ड पार्टी के इशूज बोले, इनका कोई इशू किसी लड़कियों की दिक्कत ही यही होती है कि उनको उनके इशूज नहीं पता होते। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों की, अगर लाइफ में बीइंग गर्ल ऑल्सो, बीइंग लेडी ऑल्सो, बीइंग मैन ऑल्सो, आपकी लाइफ में अगर लेडीज है तो लेट देम हेल्प टू फाइंड आउट देयर ओन प्रॉब्लम्स, पता ही नहीं होता है, इग्नोर करते हैं। सेकेंड थिंग, एप्रिसिएशन, लड़की को गिफ्ट अच्छा नहीं लगता है, मम्मी हो बहन हो कुछ भी हो, ठीक है, तारीफ जरूर अच्छी लगती है, जो इंसान तारीफ करेगा वो हमेशा सुखी रहेगा, ठीक है। तो डू दैट। तीसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है, विनोद सर बताएंगे। आपके यहाँ तीन भी है ना, मम्मी है, वाइफ है, बेटी भी है, तो आपको सबसे ज्यादा स्टडी होनी चाहिए। कभी तुमसे मांगेंगे नहीं वो, बट जब मौका आए तो गिव बैक, राइट। जैसे रॉबिन का मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, वो सारे जेन्युइनली अपने मम्मी के लिए गिफ्ट लेकर गया है। क्या तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया है? जगह नहीं, मम्मी हो बहन होती है, जैसे आपकी लाइफ में बहन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, किसी केस में बेटी का होता है, किसी केस में तो पापा के लिए जरूर करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी देंगे, घर देंगे आगे जाके। बट हैव यू लिटरली ऑब्जर्व कि हम अपने पेरेंट मतलब मम्मी के लिए बहन के लिए हम लोग नहीं करते हैं? दिस इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये तुम लोग सीखो, क्या ये बात, छोटी सी चीज है, जरूरी नहीं है उनको मतलब लाखों की साड़ी चाहिए होगी, छोटा लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड होता है, देना चाहिए। जैसे तुमने तो मान लिया हुआ चली मम्मी को भी गिफ्ट करो यार, साल में कभी कभी करते, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कितना करती है? नहीं मम्मी मेरे लिए कभी कुछ सॉरी नहीं करती, मैं ही कर देता हूं ये नहीं, सच में मैं इंसान बोलो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं करती है, यानी कपड़े और ये नहीं लेती है, ठीक है, लेकिन इसके पहले तुमको जो बाइक दी होगी, व्हीकल दी होगी, बोलना पापा ने दिए, मैं चाहे तो मम्मी ने होगी ना, टिफिन है, तुमको पसंद नहीं आया दूसरा कुछ बना देती होगी, है ना। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो औरतें हमारे लिए करती है, वी डोंट रिकॉग्नाइज इट, तो लर्न टू अप्रिशिएट। विनोद सर, आप अच्छा वाला मैसेज अभी सब लोग अपने लाइफ में जितने भी लेडीज है जिनको हमें थैंक यू बोलना है उनके लिए एक मैसेज ड्राफ्ट करेंगे, उनका नेम नंबर प्रतीक्षा मैम को भेजेंगे, ठीक है, she will give them a call and thank them from respecting from yours, ठीक है। तो सब लोगों के नंबर आ जाने चाहिए, ठीक है। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बहुत बार चीजें इतनी छोटी छोटी रहती है ना, रिकोगनाइज करना ही खुल जाता है, किसने हमारे लिए क्या किया, तेरे दोस्त ने तेरे लिए क्या किया होगा तेरे को याद होगा, तेरे मम्मी ने तेरे लिए क्या किया तेरे को याद नहीं होगा, रेगुलर रोजी करती तो क्या है। बहुत सी चीजें हैं ना, मतलब रोज ना कुछ ना कुछ करते, रोज कुछ ना कुछ करते, हर रोज थैंक यू बोला करो, थैंक यू बोलने से क्या जाता है ना। तो एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे पास है जो हर रोज तुम्हारे लिए कुछ करता उसको तुम कभी स्पेशल फील नहीं करवाते, और जो कभी कभार कर देगा उसको बहुत अच्छे से स्पेशल फील करवाते, गलत है ना अभय? नहीं नहीं, अगर 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 बोलेगा नहीं कभी कभार नहीं, इफ यू गाइस शुड लर्न दिस थिंग, ठीक है। इसके अलावा विनोद सर, दो मिनट रुकिए, आप कभी आजू बाजू देख रहे हो वर्क लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, स्पेशली वुमेन्स को, ठीक है, मेन्स को भी आ सकती है, तो हेल्प देम, गिव बैक टू सोसाइटी, ये तो है ही, बट एक दूसरे को हेल्प करना भी जरूरी है। तुम्हारी मम्मी को भी बहुत बार तुम्हारी हेल्प की जरूरत होती होगी, लेकिन करते हैं नहीं, बहाने देते होंगे, मुझे पक्के से पता है। अब भाई हमेशा छुट्टी लेता है तो मम्मी को लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मम्मी को लेकर जा रहा है। अच्छा वो मम्मी को लेकर नहीं जाता है क्या? प्रणाल कभी भी ऐसी छुट्टी लेगा है ना, प्रणाल मैं जा रहा हूँ घूमने मैडम, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीजें करो। और आज सब लोग ये मैसेज पे ड्राफ्ट करोगे, हम लोग कॉल तो कर